कि स्पेशल क्वेश्चन है, तुम ध्यान रखना, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जेई के लिए। खैर एक पार्टिकल है, इसको टेम्ड पर स्किन से मैंने ऊपर की ओर फेंका है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसी में लिख लीजिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करना है, इसको ड्रा करना है। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि पहला ग्राफ बना रहे हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन, यहाँ लिखा टाइम, ड्रा करने जा रहा हूँ। तो ग्रेविटी के अंदर जब तुम प्रोजेक्ट करोगे पार्टिकल के ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन उसका हमेशा नेगेटिव है। कहा था ना पार्टिकल ऊपर जाए तो चाहे नीचे जाए तो मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन इज इम्पॉर्टेंट, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा नेगेटिव। तो इसको तो आप ऐसे ड्रा करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, और एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूसली नेगेटिव, नेगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हमेशा नेगेटिव, और कब तक, हमेशा। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर टकराएगा फिर टकरा के ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, हर टकराने वाला से धीरे धीरे कम होने लगेगी ऐसे। तो लेकिन कुछ भी हो जाए बस टक्कर के टाइम वाला पार्ट हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अदरवाइज हमेशा क्या होगा नेगेटिव, हमेशा क्या होगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज नेगेटिव, फर्स्ट सिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बिफोर कोलिजन की बात करूँ, बिफोर कोलिजन की मतलब बिफोर फर्स्ट कोलिजन, पार्टिकल ऊपर गया फिर यहीं तक, सिर्फ यहीं तक का ग्राफ ड्रॉ करो, सिर्फ यहीं तक का, तो सिर्फ ऐसे ही बनेगा, नथिंग एल्स, सिर्फ ऐसे ही बनेगा बस। और टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ मोशन तो आप लगा देंगे, तो ये टाइम आएगा वी डॉट यू एस पर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, तो एस कितना है जीरो, यू टी माइनस हाफ टी इन टी स्क्वायर, तो टी बोलो क्या, दो सेकेंड, दो सेकेंड, दिस टाइम इज टू सेकेंड, तो दो सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बाद में रहेंगे टक्कर के बाद की बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ टक्कर के पहले का है। अब बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो वी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे वी बराबर यू प्लस ए टी, यू कितना प्लस टेन है ना, प्लस टेन, तो प्लस टेन यू प्लस ए टी, और ये क्या माइनस टेन इंटू टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, इससे क्या बन गया वी बराबर टेन माइनस टेन टी बन गया। ये इक्वेशन कब तक, जब तक वो धरती से टकरा ना जाए, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आए, तो जब तक वो धरती से नहीं टकराएगा इक्वेशन ये बनेगा। और भी कहाँ पे वाई एक्सिस पे, और टी कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो क्या बन गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन बन गया ना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बनेगा इस। और स्लोप क्या होगा, स्लोप एम है नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है टेन, तो टेन के इंटरसेप्ट से आएगा और स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव, और ये क्या रहेगा टेन प्लस टेन, और किस टाइम तक चलेगा, किस टाइम तक, दो सेकेंड तक, दो सेकेंड तक, और दो सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस टेन। भाई जितनी की वेलोसिटी ऊपर थी जब वापिस आकर टकराएगा तो टकराते समय उतनी वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, इट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब बात करेंगे यहीं पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के, देखिए मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, इसे हटाता हूँ स्पीड वर्सेस टाइम, ये हो गया, ये हो गया स्पीड वर्सेस टाइम। अच्छा स्पीड तो हमेशा मैग्नीट्यूड है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो जब तक वेलोसिटी प्लस रहेगी तब तक स्पीड और टाइम सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव आएगी स्पीड मैग्नीट्यूड होता है फिर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यहाँ तक तो ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ यहाँ तक तो चलेगा क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन इधर वेलोसिटी निगेटिव हो गई, वेलोसिटी निगेटिव हो गई, स्पीड तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो जितना आप नीचे बनाए हैं उतना ही क्या बना देंगे ऊपर, फिर धीरे धीरे में जाएगा। मतलब जितना ये नीचे बनाया है ग्राफ उतना ही कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब इसी के सामने यहाँ तक ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, और ये टाइम क्या होगा वन सेकेंड, वन सेकेंड, क्योंकि ये टाइम टू सेकेंड, तो ये आधा टाइम होता है ना। ये है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे बनेगा। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बताते हैं, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसे ड्रा करेंगे, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ,
एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ की कॉन्केविटी क्या होगी डाउनवर्ड। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कितना 10, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो बन गया एक्स बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसमें टी स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो गई, डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ और टी बराबर जीरो पे देखो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ ऐसे चल के ऐसे बनेगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कॉन्केविटी देखो डाउनवर्ड है, क्यों, टी स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है और जीरो से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि टी बराबर जीरो पे एक्स क्या रहा है जीरो, तो जीरो से शुरू होगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड ऐसे। लेकिन कहाँ तक, सिर्फ यहीं तक, पता है क्यों, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से गया फिर यहीं पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल जीरो हो गया। और ये टाइम क्या होगा, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज द ग्राफ। अब बात करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, तो मैंने कहा था ना कि जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तब तक सेम आएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो यही मिरर इमेज बन जाएगा इस तरीके से। तो इसी के सामने एग्जैक्ट यही ग्राफ होगा, बट ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे होगा। तो ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ओके। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और ये चलिए मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है कि विच ग्राफ इज आर नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइम पे दो डिफरेंट पोजीशन होना, दो डिफरेंट वेलोसिटी होना या दो डिफरेंट एक्सेलरेशन होना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे, अंडरलाइन है, एक ही टाइम पे दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं। कोई कहे कि यार एक ही टाइम पे तुम अपने घर में भी हो और अपने स्कूल में भी हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिखिए स्टेटमेंट, एट अ टाइम, अंडरलाइन अ टाइम, एट अ टाइम देयर आर टू पोजिशन आर टू वेलोसिटी आर टू एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या करना है, याद रखना है। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन कहे कि एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से ऐसे है, या एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे है, इस तरीके से, या वी वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से। कोई पूछे कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, आप कहेंगे नो, ना तो ये पॉसिबल है, ना तो ये पॉसिबल है, ना तो ये पॉसिबल है। क्यों, एक ही टाइम पे देखिए दो पोजीशन, एक ही टाइम पे दो पोजीशन है कि ये एक ही, ऐसा कैसे संभव है, एक ही टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ भी है वहाँ भी है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। गलत, यहाँ पे एक ही टाइम पे देखिए दो पोजीशन, एक ये एक ये, नो पॉसिबल। एक ही टाइम पे देखिए इसी टाइम पे दो वेलोसिटी, एक ये एक ये, नहीं पॉसिबल। तो उन्हें ग्राफ बना था, लेकिन कोई कहता कि क्या सर इतना पॉसिबल है, सिर्फ इतना, हाँ ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है, पॉसिबल। पोजीशन में भी ये अगर नहीं होता सिर्फ इतना होता है ऐसे, एक्स वर्सेस टाइम पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन आ रहा है। यही वाला पार्ट सिर्फ ना इसमें से ये हटा दीजिए, यहाँ तक हटा दीजिए बस, ये पॉसिबल है, अलग यहाँ तक, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना। एक पैटर्न होता है। अब एक क्वेश्चन पे आता है,